आशा करता हूँ आप सब ठीक हैं। आज हम बात करेंगे FIR की, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। मैंने इसके लिए बहुत सारे स्टेट की वेबसाइट्स के लिंक इस वीडियो में शेयर किए हैं, जिसे क्लिक कर आप डिफरेंट स्टेट्स में FIR कैसे फाइल की जाती है वो कर सकते हैं। FIR जो है वो ऑनलाइन भी फाइल की जा सकती है और ऑफलाइन आप पुलिस स्टेशन में जाकर भी FIR फाइल कर सकते हैं। जो FIR ऑनलाइन हम फाइल करते हैं उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे ऑनलाइन FIR सभी तरह के केसेस के लिए फाइल नहीं की जा सकती, जैसे क्रिमिनल केसेस हो या कुछ मारपीट का केस हो उसके लिए हम ऑनलाइन FIR नहीं कर सकते। जनरली लॉस्ट एंड फाउंड केसेस के लिए FIR फाइल की जाती है, जिस FIR की कॉपी आप अपने इंश्योरेंस क्लेम में भी फाइल कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि FIR कौन कौन से स्टेट में ऑनलाइन अवेलेबल है जो मुझे ज्ञात है, और इसके अलावा उन वेबसाइट्स के लिंक भी हम चेक करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा मैं एक दो स्टेट का आपको ऑनलाइन FIR फाइल करके भी दिखाऊंगा कि हम FIR कैसे फाइल कर सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके, और FIR कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जब भी आप इस वीडियो को देखें तो प्लीज़ लाइक करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे स्टेट्स की वेबसाइट आपको दे दी है ताकि आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, जैसे दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मुंबई, पुणे, पंजाब, तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात। तो इन सभी स्टेट्स या सिटीज़ की जो FIR करने की वेबसाइट है वो ये है, और आप इसे गूगल में डालकर सर्च कर सकते हैं और अपनी FIR फाइल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि मैं एक स्टेट की आपको FIR फाइल करके दिखाऊंगा, तो मैं आपको dillipolice.nic.in पर जाकर कैसे FIR फाइल करते हैं और किन किन मुद्दों के लिए हम FIR फाइल कर सकते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। आप गूगल कर सकते हैं और गूगल में आप डाल सकते हैं dillipolice.nic.in, और ये आपको सबसे पहला लिंक देखेगा दिल्ली पुलिस, और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है। तो देखिए, आपको ये स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको, जैसे कि लॉस्ट रिपोर्ट, MV थेफ्ट, EFIR, मिसिंग पर्सन, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन, ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड, खोया पाया चाइल्ड, मिसिंग पर्सन सर्च, थेफ्ट EFIR, व्यू FIR, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट, सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन, डोमेस्टिक हेल्प टेनेंट रजिस्ट्रेशन। तो जो भी आपको करना हो उस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू मोर का भी ऑप्शन है जिसमें और भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यदि हम किसी चोरी या कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं तो उसके लिए FIR कराना चाहते हैं तो हम लॉस्ट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, इसमें होगा लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट या फाउंड आर्टिकल रिपोर्ट। तो हम लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट के लिए FIR कराना चाहते हैं तो अब हमें रजिस्टर पर क्लिक करना है। ये देखिए, स्क्रीन खुल गई है, पुलिस रिपोर्ट ऑफ आर्टिकल डॉक्यूमेंट लॉस्ट इन दिल्ली। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, जैसे वीरेंद्र कुमार गुप्ता, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, फादर नेम डालना है, कंप्लेंटेड एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है आपको। जहाँ जहाँ ये रेड स्टार लगा है इसका मतलब वो फील्ड मैंडेटरी है। ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद प्लेस ऑफ लॉस्ट इन दिल्ली डालना है, इसके बाद कब आपके यहाँ चोरी हुई थी या डॉक्यूमेंट खोए थे वो डेट सिलेक्ट करनी है, ईयर सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना है, कोई अप्रॉक्सीमेट टाइम यदि आपको याद हो तो आर और मिनट भी सिलेक्ट करनी है, इसके बाद आपका क्या लॉस्ट हुआ था, आपको वो मोबाइल खोया है, और यहाँ पर आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं जितनी भी डिटेल आपके पास अवेलेबल हो, जैसे लॉस्ट मोबाइल नंबर, लॉस्ट डेट, मेक, टाइप कौन सा है, या फिर यदि आप कोई डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं तो देखिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आई हैव लॉस्ट माई
डॉक्यूमेंट्स लिप्शन जो भी है मेंशन कर सकते हैं, और आपकी जितनी भी आइटम्स मिस हुई हैं उसको आप एक एक करके यहाँ पर ऐड करके ऐड कर सकते हैं, और कोई भी एनी अदर डिटेल हो तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर और डिटेल, जैसे आपका टैबलेट भी खोया है उसको सिलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हैं, या फिर पैन कार्ड भी खोया है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करके पूरी डिटेल जितनी भी आपकी आइटम खोई है वो इसमें ऐड कर दीजिए, और जितनी भी डिटेल है वो आप समरी यहाँ पर डिटेल में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये कोड जो दिखाया गया है ये एंटर करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है, तो आपकी FIR क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद यदि कोई आप FAQ इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, और ये आपको सारे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो भी आपके मन में हो वो उन सभी का आंसर ये दे देगा। स्क्रीन ओपन हो रही है तो मैं अभी आपको शो करता हूँ। इसके बाद यदि आपने FIR रजिस्टर कर दी है और उसके बाद आप FIR की कॉपी को देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन पर वापस जा सकते हैं और रिट्रीव पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप रिट्रीव पर क्लिक करेंगे तो आप या तो एंटर LR नंबर, जो आप जब FIR सबमिट करेंगे उसमें एक नंबर जनरेट होगा उसके द्वारा, या अपने ईमेल आईडी के द्वारा FIR को सर्च कर सकते हैं, और वहां से आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा जहां से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए, दिस एप्लीकेशन इज फॉर लॉजिंग रिपोर्ट ऑफ आर्टिकल डॉक्यूमेंट लॉस्ट इन दिल्ली। रिपोर्ट लॉज्ड अंडर दिस एप्लीकेशन इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर फॉर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। इन केस लॉस इज ड्यू टू थेफ्ट और एनी अदर क्राइम, कॉन्टैक्ट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। फॉल्स रिपोर्ट इज टू पुलिस इज ए पनिशेबल ऑफेंस। तो कोई भी फॉल्स रिपोर्ट आप मत कीजिए, सच में अगर चोरी हुई हो या कुछ डॉक्यूमेंट फाउंड लॉस्ट हुए हो तभी आप इसमें कीजिए। अब देखिए यहाँ पे FAQ की स्क्रीन यदि खुल चुकी है तो हम उसे देख सकते हैं। में गाइडेंस की है, उसी तरह आप किसी भी स्टेट या सिटी की FIR कर सकते हैं, लेकिन सब में थोड़ा बहुत कुछ अलग होगा जो आप जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए FAQ खुल चुके हैं, इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये जो मैंने ऑनलाइन FIR करने का तरीका आपको बताया है ये आपको हेल्प करेगा। यदि आपके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी आपका मोबाइल लॉस हो जाता है तो उस केस में आप इस ऑनलाइन सुविधा का फायदा उठा सकते हैं, और आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम एक्सेट्रा में ये FIR आपके काम आएगी। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू सो मच।